हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं दो प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने। तो ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी यूट्यूबर बनना चाहता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने अमेजन से मंगाया है। ये पहला प्रोडक्ट है माइक, ये बोया का माइक है, जो कि मुझे इसके लिए देने पड़े 1980 रुपये। और ये है प्लांजे का ट्राईपॉड, जिसके लिए मुझे देने पड़े 1496 रुपये। तो मुझे इनका मॉडल नंबर नहीं पता, अभी मैं इनको अनबॉक्स करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या मॉडल नंबर है। और अब मेरे पास अनबॉक्सिंग नाइफ तो नहीं है, बट ये आप सबको पता होगा सब्जी काटने वाली नाइफ है, तो मैं आज इसी से अनबॉक्स करूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैंने अनबॉक्सिंग नाइफ नहीं लिया था जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का पैकेजिंग है, और ये मैंने 4-5 दिन पहले ही मंगा लिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इनको अनबॉक्स कर पाऊँ। तो आज मुझे सुबह सुबह टाइम मिला ताकि मैं अपने प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स कर सकूं। तो कुछ इस तरीके का पैकेजिंग है, और ये आप देख सकते हैं, ये है बोया का MM1 यूनिवर्सल कार्डायड माइक्रोफोन। कुछ इस तरीके का इसका पैकेट दिखता है, बोया MM1 माइक का इस तरीके का। और अब अपने दूसरे प्रोडक्ट को भी इसकी पैकेट से कर रहा हूँ। अनबॉक्सिंग भी इजी नहीं है जितना यूट्यूब पे देखने में लगता है, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से इसको सील किया गया है। चलिए, तो ऐसा है। और ये रहा हर यूट्यूबर का अस्त्र, ये है ट्राइपॉड, और ये कुछ इसके साथ बिल वगैरह, इन सबको साइड कर देता हूँ। तो ये है उलांजी का फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड, इस तरीके का है ये इसका पैकेट। तो अब मैं इन दोनों को अनबॉक्स करूंगा, अब तो रियल अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले किसका अनबॉक्सिंग करूं, किसका करूं। चलिए, हाँ, फ्लेक्सिबल उलांजी फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड MT11 इसका मॉडल नंबर है, और सबसे पहले मैं इसी का अनबॉक्सिंग करूंगा। तो आई एम सो एक्साइटेड। ये रहा उलांजी ट्राइपॉड, और इसको देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि मैं यूट्यूबर्स को देखा करता था, इस तरीके के टूल्स, इस तरीके के ट्राइपॉड्स उनके पास होते थे, और आज फाइनली मेरे पास भी है। तो इस तरीके कुछ ट्राइपॉड है ये, और यहाँ यूट्यूब से ही रिकमेंडेशन लेके मैंने देखा था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके अच्छे रिव्यू किए थे, तो ये ट्राइपॉड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको अगर चाहे तो कहीं भी सरफेस पे रख के भी शूट कर सकते हैं। इस तरीके से ट्राइपॉड है, ट्राई मतलब 3 होता है, पॉड यानी कि आई थिंक पैर होता होगा, पैर ही होता है, तो इस तरीके का है ये ट्राइपॉड। 3 पैर हैं इसके, आराम से किसी भी सरफेस पे आ जाएंगे, आप मोबाइल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसमें मोबाइल को माउंट करने के साथ साथ आप इसमें माइक भी लगा सकते हैं। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, डब्बे को भी साइड रखते हैं, और अब बारी है बोया MM1 माइक की, तो इसको भी अनबॉक्स करते हैं
इसकी पैकेजिंग काफी अच्छे हैं, तो इसको फाड़ने में, इसको हटाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। चलिए जैसे तैसे मैंने फाड़ दिया इसको, यहाँ से निकला 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 एक और मेरा ड्रीम। ओह सॉरी 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 सॉरी, तो इसको भी साइड करते हैं। इसमें कुछ पेपर एंड इधर कुछ चीजें, तो इसको साइड करते हैं। नहीं हमारा ये है, ये इसको शायद डेड कैट बोलते हैं, डेड कैट बोलते हैं ना, आप लोग बताना मुझे कि इसको क्या बोलते हैं, बट मुझे जहाँ तक पता है इसको डेड कैट बोलते हैं। और ये शायद विंड नॉइज को ये रिड्यूस करता है, विंड नॉइज को कम करता है। जब आप लोग मोबाइल से वीडियो बनाते होंगे, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं उसका वीडियो बनाते हैं, या फिर हवा चलती है ना, तो वो बहुत अजीब तरह का घड़घड़ाहट का आवाज़ आता है, तो उसमें आपका साउंड क्लियर नहीं आता है। तो ये विंड के नॉइज को ये अब्जॉर्ब कर लेता है और जो सिर्फ आपका वॉइस है उसको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। तो ये डेड कैट है, और शायद इसके अंदर में हमारा माइक है जो मैं निकालता हूँ। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये माइक ही है अंदर या इसका कुछ और है। आई थिंक माइक ही है। तो हाँ, ये रहा हमारा बोया का MM1 माइक। ये माइक है, इंडोर शूटिंग करना होगा तो दिस वन इज एनफ, और अगर आउटडोर शूटिंग है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप डेड कैट के साथ इसको यूज करें, ताकि विंड का नॉइज या जो भी एक्स्ट्रा नॉइज है वो ना आ पाए। तो ये माउंट है जिसको लगाना होगा इस पर, तो और ये कुछ केबल्स हैं जो मोबाइल से माइक को कनेक्ट करें, राइट, ये मोबाइल से कनेक्ट होगा। और ये क्या है, ये कुछ आई थिंक इसको बहुत दिन तक रखने के लिए, ताकि कुछ ऐसा केमिकल ही लग रहा है, इसको साइड में रखते हैं। और ये है गुड, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये एक बैग है, जैसे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ वीडियो बनाना है तो आप इसको कैसे ले जाएंगे, तो ये एक बैग दिया हुआ इस तरीके का, इस बैग में इसको डाल के और रख सकते हैं, आराम से अपने बैग में इसको डाल सकते हैं ताकि हमारा माइक सेफ रहे। तो ये एक बैग है, तो इस बैग में इसको रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे अब स्टडी करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से मोबाइल में लगाते हैं, मोबाइल फिर इसको इस तरीके से किस तरीके से यहाँ पे माइक लगेगा, और ये सब सारा मतलब मुझे थोड़ा सा यूट्यूब पे स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये सेट होता है। तो अगर आपको देखना है कि मैं किस तरीके से इसको ट्राइपॉड मोबाइल और हमारे माइक टेडकेट वगैरह को सेट करता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखना, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको सेट करते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा, इसका रिव्यू करूँगा कि ये कितना हैंडी है और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एंड मैं माइक का भी रिव्यू करूँगा कि माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स इस माइक को रिकमेंड करते हैं, इसीलिए मैंने इस माइक को लिया है। तो देखता हूँ अगले वीडियो में, आपको बताता हूँ मैं कि ये मेरा ओलांजे ट्राइपॉड एंड बोया MM1 माइक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।